अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इतनी संख्या में इकट्ठे होकर कलेक्टर कार्यालय जा रही है, क्या मांगे आपकी और क्या पूरा मामला है? हमें दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, तो उसी को लेकर हम लोग आज मानदेय के अपने मानदेय और भवन किराया की समस्या को लेकर पूरे देवास जिले के लगभग 1000 कार्यकर्ताएं आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं अपनी फरियाद लेकर। क्या कारण है आपका वेतन नहीं मिल रहा और इसके लिए आपने पहले भी अधिकारियों का अवगत कराया था? करवाया लगातार, हम नवंबर से करवाते आ रहे हैं क्योंकि नवंबर से ही रुका हुआ था, तो एक माह का मानदेय दिया उन्होंने, उसके बाद फिर अभी अपने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 का आज दिनांक तक और अभी ये महीना भी पूरा होने वाला फरवरी 2024 अभी तक मानदेय नहीं आया और ना ही कोई अधिकारी हमको संतोषजनक जवाब दे रहा है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आपका किस तरह से आंदोलन रहेगा? अब सारे ऑनलाइन जो काम है वो पहले सबसे पहले हम लोग बंद करेंगे और उसके बाद भी फिर जब हमारी उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर हम केंद्र पूरी तरह से बंद करेंगे और बंद करके कोई मजदूरी वगैरह करेंगे, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं इसी पर डिपेंड है और जब उनको मानदेय नहीं मिल रहा तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे करें। आपका नाम और पद? मेरा नाम रानी सिंह है और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।